तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इसको अब हम स्टडी करेंगे। पहला ऑप्शन है कि हाइट या ऑल्टीट्यूड के साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे अपनी वैल्यू को चेंज करेगी। अगर मैं अर्थ की सरफेस से दूर 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 जाता जाऊँ, रॉकेट उठा के बहुत दूर चला जाऊँ, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी ये टॉपिक आपको बताएगा। नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ में क्या है, आप अर्थ की सरफेस को खोदना शुरू कर दो और सेंटर की तरफ जाना शुरू करो, अर्थ के अंदर अंदर घुस जाओ अर्थ के और सेंटर की तरफ जाओ, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी ये टॉपिक आपको बताएगा। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या भी बताऊंगा और शेप ऑफ अर्थ, इन चार फैक्टर्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है अफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं बाद में भी चौथे पॉइंट पे, तो अगर मान लो मैं अर्थ लूं, अर्थ का रेडियस कैपिटल आ रहा है, मास बड़ा एम है, अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या करवाया, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक अभी किया? और अगर मैं अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर चला जाऊं तो वहां पर सेंटर से इसकी दूरी क्या हो गई, आर प्लस एच। तो नई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनी, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या है पॉइंट, क्लियर है? कहां चेंज हुआ, आर की जगह आर प्लस एच। वैसे तो पता लग ही रहा है कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर आप बहुत दूर चले गए, एच इज इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी का मतलब जी इज जीरो, बहुत दूर पे जी जीरो हो जाएगी। तो क्लियर है यहां तक? अगर आप इक्वेशन नंबर वन एंड टू को डिवाइड करें तो ये टर्म आ जाएगी, जी एम कट गया। तो ये फॉर्मूला मार्क करो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि अगर मैं किसी न्यूमेरिकल में आपको आर दूं, आर 6400 किलोमीटर होता है, एच हाइट दे दूं 1000 किलोमीटर, स्मॉल जी क्या होता है 9.8, तो यहां से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी डैश जो भी आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया ये, हाइट के साथ कैसे जी चेंज होता है। इसको थोड़ा मॉडिफाई भी करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से कैपिटल आर को बाहर निकाल लो। अब कैपिटल आर के ऊपर तो स्क्वायर भी है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा, इसकी जगह वन और इसकी जगह एच बाय आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर पूरा उठ के ऊपर चला गया रेज टू पावर माइनस टू। बाइनोमियल याद है, एरर में भी लगाई थी, बाइनोमियल में क्या होता है, इसको इससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई, इफ एच इज स्मॉल तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू एच बाय आर। जी को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आंसर आ गया, इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क करो। तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा न्यूमेरिकल्स में या ये फॉर्मूला लगेगा न्यूमेरिकल में, ज्यादातर 99% न्यूमेरिकल में ये लगता है, पर ये याद रहे ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा क्योंकि इसमें बाइनोमियल लगी हुई है। या इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट सुन लो, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब एच हाइट, ये हाइट है कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से, छोटी गिवन होगी। छोटी कैसे, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। पर अगर हाइट आपको 2000 किलोमीटर गिवन है, 1500 किलोमीटर, 3000, 4000, ये फॉर्मूला फेल है, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हाइट अगर छोटी है, 50 किलोमीटर, 100, 200, 400, 500, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर है, फिर तो वो सही आंसर देगा। पर ये बहुत बड़ी हाइट्स के लिए, 1000 किलोमीटर हाइट के लिए सही आंसर देगा नहीं, फिर यही देगा। पर कोई अगर ये पूछे कि अगर हाइट छोटी और मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, ये फॉर्मूला कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, चाहे छोटी हाइट हो चाहे बड़ी हो, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। पर ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो छोटा शॉर्टकट है और फटाफट हमारा आंसर आ जाता है। तो 99% क्वेश्चन में हाइट छोटी ही गिवन होती है तो वो फॉर्मूला चलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहली डेरिवेशन है जो आपको करनी है, आज के लेक्चर में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो ये पहला टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक?